तो आज हम जा रहे हैं बाहो वाटरफॉल, जो कि नाहतरंग का फेमस वाटरफॉल है, और काफ़ी सुना है इसके बारे में, इंटरनेट पे भी देखा था। काफ़ी थोड़ा ऑफ बीट डेस्टिनेशन है और थोड़ा दूर भी है सिटी से। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर। ओ मेरे भाई, ओ भाई साहब, ओ मेरे खुदा, कैसे चढ़ना है भाई, देख लो। अभी बज रहे हैं अराउंड 2, बिकॉज रात को जो हमने क्लबिंग करी थी, खूब डांस किया था, तो अभी भी बिल्कुल सुबह लेट उठे थे। अगर आपने यहाँ की नाइट लाइफ वाली वीडियोज़ देखनी है, उसका लिंक आपको आई बटन में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी हम होटल में आ गए हैं, एक नया होटल हमने लिया है, होटल का नाम है CR होटल, और यहीं होटल से हमने एक टैक्सी करा ली है वाटरफॉल के लिए, जो कि हमें पड़ रही है 6 लाख VND के आसपास। सो गाइस, अगर आप लोग इस होटल में आते हो तो आपको सो चलते हैं और देखते हैं कैसा है वाटरफॉल यहाँ पे, और डुबकी लगाएंगे उसमें बढ़िया करके। सो गाइस, यहाँ पे फ्रूट्स की ना अलग अलग वैरायटीज हैं, जैसे आपको जो संतरा है वो बहुत छोटा सा मिलेगा, और जो नींबू है लेमन वो काफी बड़े बड़े मिलेंगे, इतने बड़े, मतलब 5 किलो के एक नींबू। और संतरा दिखाओ भाई जरा, ये संतरा इतना छोटा, देख रहे हो। और कई अलग अलग तरह के फ्रूट्स मिलते हैं, सी फ्रूट्स होते हैं ना वो भी यहाँ पे मिलते हैं, और मैंगो तो बहुत अवेलेबल है अभी के टाइम में। अभी हम दिसंबर में आए हुए हैं, यहाँ मैंगो मिलने दबा के मैंगो दिखाओ भाई। मतलब सबसे बेस्ट पता है, अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आपको ज़्यादा सी फूड पसंद नहीं है या फिर राइस खा के परेशान हो गए हो, तो किसी भी फ्रूट्स की दुकान में जाके फ्रूट्स ले लो, काट के दे देते हैं, उसे खाते रहो, सबसे बेस्ट। और वाटर लेमन का जूस हर जगह मिल जाता है, हाइड्रेट रखो बॉडी को, बिकॉज यहाँ ह्यूमिडिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और बाकी वीगन रेस्टोरेंट्स वगैरह मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे वीगन रेस्टोरेंट्स भी, इवन इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। हाँ, कल हमारा जो फ्रेंड आया था ना विनय, उसने बताया वो यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। बताओ, पंजाबी ढाबा, बताओ भाई बताओ। हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि यार हम यहाँ वियतनाम में आके भी इंडिया का खाना खाएं तो डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी। अगर आप लोगों को चाहते हो आप इंडिया खाना, यहाँ पे इंडिया का खाना, तो आप ऐसे रेस्टोरेंट में जा सकते हो, बहुत ईजी है, गूगल कर लेना, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम रास्ते में हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है वाटरफॉल पहुंचने में। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं बोहो वाटरफॉल, और यहाँ पर जो टिकट है वो 100,000 VND है पर पर्सन, और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। तो अभी यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं अंदर, यहाँ पे टिकट विकेट लेके, और जो जगह है ना भाई, फील अलग आ रहा है एकदम। मैरी क्रिसमस, से हाय। ये जगह क्यों नहीं आए हम पहले, ये वर्ड हैं करण के, यू कैन फील द एक्साइटमेंट, राइट। एक्साइटमेंट में मैं अपना मोबाइल और दूसरा कैमरा बैग वहीं गाड़ी में भूल गया था, तो अभी दौड़ दौड़ के आया वापस, बिकॉज इसी मोबाइल पे ड्राइवर का नंबर भी था, और अगर ड्राइवर चले जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती उसे ढूंढने में। सो एक्साइटमेंट के चक्कर में सारा हो गया। और बाय द वे, ये मेरे पीछे काउंटर है जहाँ से टिकट लेते हैं। सो गाइस, वो मेन एंट्रेंस के बाद थोड़ा सा आपको ट्रैक करना पड़ता है उस प्रॉपर वाटरफॉल पहुँचने के लिए, तो मेक श्योर अपने ट्रैकिंग शूज़ साथ में लेके आए। सो गाइस, ये है फायदे ट्रैकिंग के। सो गाइस, वाटरफॉल के दो रास्ते, एक इन्होंने प्रॉपर ट्रैक बनाया हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर ट्रैक है, और दूसरा है कि आप बिल्कुल सीमेंटेड रास्ता है। रास्ते में ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको यहाँ पे मैप मिलेगा, जिसमें बताया हुआ है कि किस तरफ जाना है। आई थिंक हम लोगों को लेफ्ट निकलना है आगे से, या जो चौराहा है वहाँ से लेफ्ट जाना है, करण वहाँ वेट कर रहा है। और इसी बीच में अगर आप लोग ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहते हो, तो बीच में काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो, इवन रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे तक जा रहे हैं, देख के आते हैं जितना कर पाते हैं। आगे चल के जो रास्ता है वो प्रॉपर ट्रैकिंग वाला स्टार्ट हो गया है। एज यू कैन सी, जस्ट बिहाइंड मी इन पत्थरों के पीछे से हम लोग
चल के आ रहे हैं, बीच में छोटे छोटे ब्रिज भी थे। और एक करण स्ट्रगल करता हूँ अपने कौन सी चप्पल बोलते हैं सर, कमेंट करके बताओ जरा क्या बोलते थे चप्पलों को जो सी साइड पहनते। चलो भाई फर्स्ट लेग है। तो गाइस ये है यहाँ का ट्रैक, फर्स्ट लेग हमने पार कर लिया है, बिल्कुल चढ़ाई है, रस्सी के सहारे चढ़ के जाना पड़ रहा है। कैसे चढ़ूं? यस कम ऑन, ये वेरी गुड। एक्चुअली मोबाइल और कैमरा दोनों हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा टफ पड़ रहा है मुझे चढ़ाई करना ऊपर को। इन्होंने चट्टानों पे ना हुक लगाए हुए हैं ऐसे, इससे थोड़ा सपोर्ट मिले, विच इज़ गुड एक्चुअली, स्लिप नहीं होते आप। आगे गाइस आगे, ओ वाओ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ निकाल लिया बीच से। बाबा की चप्पलें काम आई, वाटरप्रूफ चप्पलें काम आ रही है। गाइस यहाँ की चट्टाने थोड़ी अलग तरह की है, जैसे आप देखेंगे बिल्कुल अलग ही तरह की चट्टाने हैं। ये देखिए चट्टानों में गड्ढे गड्ढे से बने हुए हैं, ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं। और कहाँ पे ऐसे गड्ढे में देखने को मिलते हैं प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। देखिए अगर आप लोग नया तरंग आ रहे हो तो इस वाटरफॉल पे आना बहुत ज़रूरी है, ट्रैक बहुत अमेजिंग है, फुल ऑफ नेचर व्यूज़। और एज यू कैन सी अभी मैं एक टॉप पे खड़ा हूँ, यहाँ से नदी बह रही है, ये बेसिकली ये वाटरफॉल से पानी आ रहा है सारा। तो गाइस यहाँ पे जो है दो लेक्स हैं, एक तो हुई फर्स्ट वन लेक जो है हुई वन फर्स्ट लेक जो है ये है, उसके बाद एक और है जो मेन वाटरफॉल है वो हुई टू सेकेंड लेक। चलते हैं धीरे धीरे आगे, पसीना तो देख रहे होगे भाई का। ट्रैकिंग कर रहे हैं भाई, ट्रैकिंग इसलिए पसीना बह रहा है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत समझ रहे हो ना। सो गाइस ये जो है ये फोर टू लेक है एज यू कैन सी, और इसके ऊपर एक और हुई थ्री लेक है। भाई साहब हालत पतली होती जा रही है, इतना ऊपर जाते रह रहे हैं, तो बट हम ऊपर भी जाके देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है। सो गाइस ये है हुई टू लेक, मैं उस झूले में जाने की ट्राई कर रहा था, मुझे झूला दिख रहा है, बट मेरे फ्रेंड करण का कहना है कि आगे चलते हैं, ये ज़्यादा अच्छी जगह नहीं लग रही है इसे, तो हम अभी आगे जा रहे हैं, वहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। भाई रास्ता फिर आ गया खतरनाक वाला, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ भाई साहब, ओ मेरे खुदा, कैसे चढ़ने भाई देख लो। पहुँच गए हुई थ्री लेके, एक और वाटरफॉल एक छोटा सा ही पे, तो यहाँ पे क्या ना
थोड़ा थोड़ा आप आगे जाते रहोगे तो छोटे छोटे वाटरफॉल आपको मिलते रहेंगे। और कुछ लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, कुछ लोग नीचे भी इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक सामने एक नज़ारा है काफ़ी अच्छा, अमेजिंग व्यू। दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, वी हैव रीच्ड लेक 3, एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी। और कुछ खास तो वाटरफॉल इतना हाइट वाला वाटरफॉल नहीं, बेसिकली वाटरफॉल ऐसा है कि इसमें पानी ऊपर से गिर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत हाइट से बह रहा होगा। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा हाइट से बह रहा होगा, जो मैंने फोटोज वगैरह देखी थी गूगल पे, बट इतना मज़ा नहीं आया। बट ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी है, सीनिक है और नेचर व्यूज इन्जॉय करने लायक है, और डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैकिंग है बेसिकली चट्टानों के ऊपर। सो गाइस, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, बैठे चिल मारा, नहाना तो अलाउड है नहीं, यहाँ पर डुबकी मारना अलाउड नहीं है, बट पत्थर बहुत सारे हैं तो हमारी हिम्मत नहीं हुई अंदर घुसने की पानी में। तो इसमें क्या है कि जो जहाँ से हम आए थे वहीं से वापस नहीं जाना होता है, एग्जिट के लिए अलग रास्ता है यहाँ से। और एक और इंडियन फ्रेंड मिले हैं, अमित भाई। अमित भाई कहाँ से हो? नोएडा। नोएडा से कितने दिन हो गए यहाँ पे? 11-12 दिन। 11-12 दिन हो गए? 11-12 दिन से नाचरंग में हो? अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा है। अच्छा है। ये वाली ट्रैकिंग रिकमेंड करोगे लोगों को या नहीं करोगे? बिल्कुल यार, मस्त है ना। ट्रैकिंग और हाइकिंग पसंद है तो पक्का दिस इज अ गुड ट्रैक टू हैव। सही में। चलो अभी मैं थोड़ा ट्रैकिंग कर लेता हूँ, बिकॉज देखो रास्ता ऐसा है, फिर बात करता हूँ आप लोगों से। सो इस तरह से हमारा ये ट्रैक होता है कंप्लीट, और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मॉडरेट तो नहीं बोलूँगा मैं, इजी ट्रैक है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा ना केयरफुली चलना पड़ रहा है। शूज़ आपके प्रॉपर ट्रैकिंग वाले होने चाहिए, नहीं तो स्लिप कर सकते हैं। और बाकी अच्छी जगह आप आ सकते हो। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से वापस अपने पार्किंग में, ड्राइवर को ढूंढते हैं और चलते हैं होटल, क्योंकि थक भी गए, थोड़ा नहा धो लेते हैं। अगर आगे स्विमिंग पूल में नहाने का सीन बना तो मे बी स्विमिंग पूल में नहा लें, आगे एक स्विमिंग पूल अवेलेबल है। सो गाइस, यहाँ रस्ते में एक ट्री हाउस है, मैं फर्स्ट टाइम किसी ट्री हाउस में चढ़ा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है, छोटा सा अलग ही फील आ रहा है बिल्कुल एकदम पेड़ के ऊपर। यहाँ रहने का मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सो बेसिकली एक छोटा सा रूम है इसके अंदर, यहाँ पे वाह दो चेयर्स रखी हुई है मस्त एकदम, और वो मेरा दोस्त करण वहाँ वेट कर रहा है। करण कितना मस्त है रहा भाई। चलें फिर वापस। तो ये बेसिकली सीक्रेट गार्डन है यहाँ पे पूरा, आप चाहो तो इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोगों को तो काफ़ी लेट हो रहा है तो हम भाग रहे हैं यहाँ से अभी सीधे। तो गाइस वापस हम लोग होटल पहुँच गए हैं, और बहुत तेज की भूख लगी थी बिकॉज ट्रैकिंग करी थी ऑब्वियसली। सो अभी हम लोग बाहर खाना खाने के लिए आए हैं, दबा के खाना खाते हैं उसके बाद सोते हैं, बिकॉज कल सुबह हमारी फ्लाइट है हनोई की अर्ली मॉर्निंग, 5:45 की फ्लाइट है, तो अराउंड एक घंटा पहले चेकिंग करना पड़ेगा, तो अराउंड हमें करीबन 3-3:30 उठना पड़ेगा। इसलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताना कॉमेंट करके, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं जब तक अपनी कॉफ़ी का मज़ा लेता हूँ यहाँ पे, कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी, अगर आप कॉफ़ी मंगा रहे हो ना, एक टिप दे देता हूँ जाते जाते, अगर आप कॉफ़ी मंगा रहे हो तो हॉट मिल्क कहना मत भूलें, बिकॉज ये क्या करते हैं कॉफ़ी तो गर्म देंगे लेकिन मिल्क ठंडा देंगे, तो मतलब अगर आपको गर्म कॉफ़ी पीने का मन है तो समझ लो गई भैंस पानी में। तो गाइस सी यू सून, हनोई की आने वाली है नेक्स्ट वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड, बाय। थोड़ा सा अंदर अंधेरा कम है, सॉरी थोड़ा सा अंदर उजाला कम है। तो गाइस एक अलग तरह का कल्चर यहाँ पे देखने को मिला मुझे, यहाँ पे टेम्पल्स में ऐसे करके ना अगरबत्ती के साथ सिगरेट भी जल जाती है, मतलब ये भगवान को सिगरेट भी अर्पण करते हैं, अलग ही तरह का मुझे आज फर्स्ट टाइम पता लगा।